मैं जनशक्ति के बल पर धन बल को परास्त करने हेतु इस चुनाव मैदान में हूं। मैं सेवक के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, ना कि सेठ के रूप में। मैं बगैर किसी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, कटआउट के कार्यकर्ताओं की शक्ति व भाजपा ध्वज को साथ लेकर चुनाव लड़ूंगा और चुनाव के लिए धन संग्रह नहीं करूंगा। द्वार द्वार व्यक्तिगत संपर्क ही मेरा मुख्य प्रचार अभियान होगा। इंदौर शहर में ऐसी घोषणा करने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकते थे और वो थे हमारे अपने लखन दादा, यानी कि श्री लक्ष्मण सिंह जी गौड़। लखन दादा का जन्म 11 जुलाई 1958 में हुआ। दादा के बचपन के साथियों का कहना है कि उनमें बालपन से ही नेतृत्व की क्षमता थी। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे दादा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम वर्ष शिक्षित श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ में भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत दादा ने किशोर अवस्था में ही कर दी थी। आपातकाल के दौरान भूमिगत रहकर संघर्ष करने वाले नेताओं का सामिप्य, उनको दैनंदिन कार्यों में सहयोग तथा उनके द्वारा दिए गए साहित्य या पर्चों का वितरण दादा ने किया। अपने राजनीतिक जीवन में लखन दादा ने कई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। सन 1993 में इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से पहली बार विधायक बने। चुनाव में शराब सामग्री वितरण न करने का संकल्प लिया एवं चुनाव शुद्धिकरण का सफल प्रयास किया। 1998 में इंदौर 4 से दूसरी बार विधायक बने। इस चुनाव में एक झंडा चुनाव अभियान की शुरुआत की। चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी चंदा न लेना तथा चुनाव में पोस्टर, होर्डिंग, रैली इत्यादि का कोई उपयोग न करना। पार्टी के एकमात्र झंडे को आगे रखकर कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर संपर्क किया एवं सफलता प्राप्त की। एक झंडा चुनाव अभियान देश भर में चर्चित रहा। वर्ष 2003 में पुनः एक झंडा चुनाव अभियान से चुनाव लड़कर 46,000 से अधिक मतों से विजयी रहकर चुनाव शुद्धिकरण के अपने अभियान को स्थापित किया। मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री का दायित्व निभाया। कार्यकाल के प्रारंभिक महीनों में ही संस्कृत की अनिवार्य शिक्षा, 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा की समाप्ति, शिक्षकों का सम्मान पुनर्स्थापित करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में गुरुपाद पूजन, शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य से मुक्ति जैसा दुर्गामी निर्णय। किंतु दादा एक राजनेता से ज्यादा समाज सेवक थे। सन 1998 में दादा ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक सुंदर कल्पना को आकार दिया, जिसे हम आज हिंद रक्षक संगठन के नाम से जानते हैं। युवावस्था में गलत को पहचानने की नजर और इसका विरोध करने का स्वभाव स्वतः होता है, परंतु दादा की चिंता थी कि युवा शक्ति के इस प्रवाह को विरोध के आगे समाधान तक ले जाया जाए। कुछ इसी प्रकार के भाव उन्होंने अपने मित्रों के मन में भी कहीं कम तो कहीं ज्यादा देखे। यही सारे भाव समेकित होकर विचार बने, विचार को अवसर का धरातल दिया परिस्थितियों में। प्रारंभ में दो प्रमुख विषय दादा और उनके मित्रों के मन में थे, युवा शक्ति का संगठन, साथ ही केवल विरोध नहीं बल्कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं एवं समाधान। इन दो भावों को गूंथ कर जो मोटी मोटी रचना बनी, उसी का नाम रखा गया हिंद रक्षक। राष्ट्र धर्म व संस्कृति के प्रहरी हिंद रक्षक संगठन ने सन 1998 में सबसे पहला प्रयास गरबा महोत्सव का किया। संगठन द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्रि पर्व पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2007 में 40,000 से अधिक लोगों ने प्रतिदिन सहभागिता की। पूरे मालवांचल में होली के पश्चात आने वाली पंचमी को रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, किंतु यह त्योहार हुड़दंग एवं अश्लीलता का पर्याय बन चुका था। इस दिन संगठन द्वारा राधा कृष्ण फाग यात्रा का आयोजन किया जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सन 2007 में इस यात्रा में 1,00,000 से अधिक लोगों की सहभागिता हुई, जिसमें से 20,000 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। प्रतिवर्ष माह जुलाई से सितंबर तक निर्धन वर्ग के छात्रों के लिए
अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण किया जाता है। इसका प्रारंभ वर्ष 2003 में हुआ। वर्ष 2007 में 60,000 विद्यार्थियों को 3,00,000 अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण हुआ। वर्ष 2004 में श्री राम कथा एवं वर्ष 2006 में भागवत कथा का आयोजन किया गया। संगठन द्वारा राष्ट्रीय आपदाओं के समय भाव जागरण एवं सहयोग भी किया गया। सन 2008 में विश्व में पहली बार सहस्त्र जातीय कोटि चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कोटि चंडी महायज्ञ में 1100 यज्ञ कुंडों पर प्रतिदिन विभिन्न जातियों के 5500 जोड़ द्वारा आहुतियां दी गई। कुल मिलाकर 10 दिनों में 55,000 जोड़ द्वारा 11 करोड़ आहुतियां समर्पित की गई। अब तक के इतिहास में कोटि चंडी महायज्ञ का आयोजन प्रथम बार हुआ था, जिसमें देश विदेश में ख्याति प्राप्त संत महात्माओं योगियों का समागम हुआ। इन सब कारणों से दादा जनता के प्रिय होते गए। युवा उन्हें अपना प्रेरक मानने लगे, किंतु वे जनता के साथ साथ भगवान को भी प्रिय होने लगे। शायद इसी वजह से भगवान ने उन्हें जल्द ही अपने पास बुला लिया। 11 फरवरी 2008 को हुई दुर्घटना के बाद भले ही दादा हमारे साथ सह शरीर मौजूद ना हो, किंतु आज भी महसूस होता है कि दादा अपने विचारों और सिद्धांतों से हमारे साथ ही हैं और हमें देख रहे हैं।